नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए डबल कलर डिजाइन। ये डिजाइन इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं। आप इसको सिंगल कलर में जेंट स्वेटर पे भी डाल सकते हैं। इसे सैंपल बनाया है मैंने। इस सैंपल में 40 फंदे डाले हैं। ये डिजाइन 10-10 के मल्टीपल से चलता है। इसमें 8 फंदे बीच में है और 2-2 फंदे बीच में छोड़े हुए हैं गैप के, और एक एक फंदा साइड में मैंने लिया है। ये 2 फंदे 4 फंदों की सिलाई बुनाई होती है। ये 2 फंदे 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी लेनी होती है और 2 सिलाइयों में डिजाइन पड़ता है। तो ये डिजाइन हमारा उल्टी साइड से पड़ता है। तो आइए हम इस डिजाइन को निकालना शुरू करते हैं। ये डिजाइन ये उल्टा उल्टा ले लिया हमने। सीधी साइड से उल्टी सिलाई ली है। ये एक उल्टी सिलाई साइड से लेनी होती है उल्टी सिलाई, और एक सीधी साइड से उल्टी सिलाई, और फिर हमारा डिजाइन निकलता है उल्टी सिलाई में। उल्टी साइड से ही ऐसा दिखेगा। आइए हम इसको निकालना डिजाइन को शुरू करते हैं। इस तरह से हम पहला फंदा हम बिना बुने ले लेंगे, और वाइट क्रीम डार्क कलर का लगाया मैंने, और एक ये डार्क डार्क पिंक कलर का है, और एक क्रीम कलर का धागा लगाया मैंने लाइट में। इस तरह से हम 2 बार घुमा के ले लेंगे। 2 बार घुमा के 8 फंदे निकाल लेंगे। इस तरह 2 बार घुमा के 8 फंदे निकालेंगे हम। दो चार छः, 2 और निकाल लेंगे, 8। 8 ले लिए, और 2 फंदे हम बिना बुने ले लेंगे। बीच में एक साइड में लिया, अब बीच में 2 लेंगे, और फिर उसी तरह से हम 8 फंदे इस तरह से घुमा के धागा 2 बार फंदा निकाल लेंगे। इस तरह से 2 बार घुमा के इस तरह से धागे से निकाल लेंगे, और उल्टा बुनना है हमने। उल्टा बुनना है, उल्टा उल्टा करके इस तरह से निकाल लेना है। इस तरह से हम 8 फंदे निकाल लेंगे, और पूरी सिलाई कर लेंगे हम। देखिए लास्ट में आ गया, लास्ट में दिखा देती हूँ मैं। 1 2 2 बार घुमाते हुए इस तरह से हमने ये सिलाई पूरी कर लेनी है, और लास्ट में हमारा एक बिना बुने ले लेना है। अब आगे हम सीधी सिलाई पे अपनी, उल्टी सिलाई से निकला है हमारा डिजाइन, सीधी सिलाई पे आ गए। सीधी सिलाई पे हमने क्या करना है, पहला फंदा तो बिना बुने ले लेना है, और ये 8 फंदे हमने इस प्रकार से निकालने हैं। इस प्रकार निकाल लेने 8, इनको पूरा खोल लेना। खुल गए। अब ये पहले हमारे जो 4 थे, ये पहले के 4 ये इस तरफ से पहले के होंगे। ये जो बाद के हमारे पहले के 4, हम बाद के 4 वालों से इस तरह से घुमा के इस तरह निकाल लेंगे। छोड़ना नहीं फंदों को। इसी सिलाई पे हमने इन 4ों को भी ले लेना है। ये 4 इधर के हो गए, 4 है, इनको बुनना है 4ों को, 8ों को बुनना है एक एक करके। इस तरह से हम जो है बुन लेंगे। इन 4ों को भी हम बुन देंगे इसी तरह से। इस तरह आ गया फ्लावर सा बन गया हमारा। फिर ये 2 फंदे हम बिना बुने ही ले लेंगे इस बारी में भी। फिर हम इस तरह से फिर निकालेंगे फंदे ऐसे, ये लपेट के लिए थे ना हमने, ये इस तरह से निकाल देंगे 8ों फंदों को। ये 8 हो गए हमारे पास। फिर ये 4, फिर इसी प्रकार से हमने ये 2 और 2 ये 4, फिर इसी तरह से हमने इसके ऊपर से पलटा के इनको सबको बुन लेना है। इसी तरह से हम पूरी सिलाई कर लेंगे अपनी। लास्ट में आ गए हम, लास्ट वाले बता देती हूँ मैं फिर से। 2 खोले, ये 8 फंदे हमने इस तरह से खोले, और फिर हमारे ये 4 पहले के हम इस तरह से इसके ऊपर से इन 4ों के ऊपर से इस तरह से घुमा के पलटा के ले लेंगे, या फिर फंदे इसी पे ले लेंगे, या फिर इन 4ों को इस तरह बुन लेंगे एक एक करके। 4ों को बुन लेंगे हम। चार हो गया,
ये चार भी बुन लेंगे वाले, चार बुन के और फिर ये वाला फंदा हम बिना बुने ले लेंगे। फिर ये उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी उल्टी ले लेनी है। दो सिलाई में हमारा डिजाइन निकल गया और दो सिलाई हमारी उल्टी उल्टी होंगी। उल्टी वाली भी उल्टी ले लेंगे हम, और जो सीधी आएगी पीछे से उसको भी उल्टी उल्टी लेंगे। तो मैं आपको ये दो सिलाइयाँ निकाल के दिखाती हूँ। उल्टी उल्टी लेनी है हमने। अब पिंक धागे से डार्क कलर से सबको हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है इस तरह से। ये पिंक वाले भी जो बिना बुने लिए थे सब जो है उल्टे उल्टे बुने जाएंगे। देखिए लास्ट की हमारी उल्टी सिलाई भी पूरी हो गई है। दो सिलाई हमने उल्टी ली है, उल्टी भी हो गई। उल्टी तरफ से हमारा डिजाइन फिर पड़े निकलेगा। अब डिजाइन निकालना दिखाती हूँ मैं दोबारा से। अब हमारा इस प्रकार से निकलेगा। ये जो हमारे ये डिब्बी यहाँ पड़ी थी पहले, इसके ऊपर निकालनी होगी डिब्बी। इसके ऊपर इस तरह निकालेंगे। दो फंदे तो हमारे बीच के हो गए, तीन इधर से लेंगे और तीन इधर से, छः और दो आठ हो गए। तो हमारे यहाँ पे तीन बचेंगे, किनारे में तीन बचेंगे। तो इसके तीन की हम छोटी सी डिब्बी बना देंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा ये लेके। तो आइए हम डिजाइन निकालना शुरू करते हैं। एक फंदा हमने एक्स्ट्रा ये ले लिया, बिना बुने ले लिया। और फिर हम उसी तरह से धागा लपेटते हुए इस तरह धागा लपेटते तीन फंदे किनारे में बनाएंगे हम। यहाँ पे तीन फंदों का ही बनेगा किनारे में। दो फंदे हम बिना बुने ले लेंगे। फिर इसी तरह से आठ फंदे हम यहाँ बीच में डिब्बी, अब यहाँ बीच में निकलेगी डिब्बी इस तरह से निकल रही ना, इधर इधर इधर, तो यहाँ बीच में। तब इस प्रकार हम बीच में आठ फंदे निकाल लेंगे इस तरह से। आठ फंदे में निकाल के आपको दिखा, ये आठ फंदे निकल गए हमारे। और फिर दो फंदे बीच में बिना बुने लेंगे। फिर इसी प्रकार से हम पूरी सिलाई कर लेंगे। लास्ट में तीन की करेंगे हम लास्ट में। देखिए फिर हमने तीन फंदे बुने लपेट के धागा, और एक फंदा लास्ट का हमने बिना बुने ले लिया। अब आगे हम अपनी सीधी सिलाई पे, सीधी सिलाई में पहला फंदा हम इसको बिना बुने ले लेंगे। फिर इस तरह से खोलेंगे इन्हें, खोल के इनको खोल के इसको यहीं पे इस पर डिब्बी बना देंगे छोटी सी। तीन के तीन कर देंगे हम फंदे, तीन के तीन हो गए, छोड़ दिए। फिर दो फंदा हमने ले लिए बिना बुने। फिर हमने आठ फंदे खोलने हैं इसी तरह जिस तरह पहले किया था। इस तरह से इन चारों को इसके ऊपर से घुमा के ले लेना है इस तरह से। घुमा के लेके ऐसी सिलाई पे चढ़ा देना है और फिर एक एक करके इनको बना लेना है इस तरह से। एक एक करके इन्हें बुन लेंगे सीधा करके, सीधा सीधा इस तरह से बुन लेना है हमने। इन चारों को भी बुन लेंगे। चारों को बना लिया, फिर ये दोनों बिना बुने ले लेना है। फिर से इसी तरह से हम अपनी पूरी सिलाई कर लेंगे इस तरह निकाल के, निकालने लपेटे हुए फंदे। और फिर इस पे से इनको पलटा देना है और फिर सिलाई पे ले लेना है। इसी तरह हम पूरी सिलाई अपनी कर ले। लास्ट के फंदे हम ये इस तरह से बनाएंगे। एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको इस तरह से। तीनों को ऐसे सीधा लिया और एक फंदा निकाला और फिर ये घुमा के लिया फंदा। अरे तीन के तीन हमारे ये निकल आए। ये छोटी सी डिब्बी निकल आई किनारे। ये बिना बुने ले लिया और उल्टी सिलाई हम उल्टी उल्टी ले लेंगे। और सीधी सिलाई भी उल्टी उल्टी में निकाल के दिखा दी। उल्टी सिलाई निकाल रही मैं, ये डार्क कलर से निकालेंगे जो हमारा पिंक डार्क कलर है।
सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ले लेंगे, पूरे यहाँ से यहाँ तक उल्टी उल्टी सिलाई कर लेंगे। ये हमारी उल्टी सिलाई पूरी हो गई है, हम सीधी सिलाई भी हम उल्टी उल्टी पूरी कर लेंगे। सीधी सिलाई भी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, उल्टी उल्टी करनी है इस तरह से। देखिए उल्टी सिलाई, सीधी सिलाई हमारी पूरी हो गई है, उल्टा उल्टा लिया है। इसी तरह से डिजाइन बनता जाएगा। अब अगला डिजाइन जो यहाँ से पड़ेगा, आठ एक फंदा छोड़ बिना बुने लेके आठ फंदे करेंगे, आठ फंदों पे घुमा के धागा लेके इस तरह से बनता जाएगा डिजाइन। आपको मेरा डिजाइन पसंद आया हो तो इस मेरे इस डिजाइन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।